हेलो दोस्तों, वेलकम बैक न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में बात करें कि इंस्टाग्राम पर किसी भी पर्सन का मैसेज कैसे देखें विदाउट सीन। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर किसी से चैट कर रहे हो और आप उसका मैसेज सीन करना चाहते हो विदाउट सीन, सामने वाले बंदे को पता ना चले कि आपने मैसेज को सीन कर दिया। यानी हाउ टू रीड इंस्टाग्राम मैसेज विदाउट सीन, कैसे सीन करेंगे, आज के इस वीडियो में यही बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, इस वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट देखना और ध्यान समझना। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की, तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और सब कुछ लाइव सीख लेते हैं। तो मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हो। अब मेरी बात को ध्यान समझना। सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अपने मोबाइल में इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन कर लिया है और मैं अपने होम पेज पर आ गया। आपको क्या करना, सबसे पहले आपको अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाना, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसका यूजर नेम है टेक्निकल फ्रुयावादी। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम फॉलो भी कर लेना। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको अपने चैट्स में लेके चलता हूँ। देख सकते हैं मैं यहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम चैट्स में आ चुका हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं मैं किसी से भी चैट कर रहा हूँ, जैसे कि पहला बंदा जो कि मैं जिससे चैट कर रहा हूँ, मैंने इसकी प्रोफाइल ओपन कर ली। अब देखो मेरी बात को गौर से समझना, मैं हर एक स्टेप को ध्यान से देखना। जैसे कि मेरा ही दूसरा अकाउंट है, ये वाला अनुपम पाठक के नाम से मेरा ही दूसरा अकाउंट है। मैं इस पर आपको डेमो करके दिखाऊंगा कि मैं अपने मैसेज को सीन को कैसे छिपाऊंगा, ठीक है। जैसे मैं इससे अपनी तरफ से मैं हाय लिख के भेज देता हूँ, मैंने यहाँ से मैंने हाय लिखा, हाय लिख के मैंने सेंड कर दिया, ठीक है। मैंने हाय सेंड कर दिया, देख सकते हैं मेरे दूसरे वाले इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज पहुंच चुका। मैं उस पर दूसरे वाले इंस्टाग्राम अकाउंट पर आ जाता हूँ, मैंने अपना दूसरा अकाउंट स्विच कर लिया है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर जैसे कुछ भी मैसेज भेज देता हूँ दूसरे वाले इंस्टाग्राम अकाउंट से, मैंने इस पर हेलो भेजा, फिर से मैंने हेलो भेजा। अब मेरे मेन अकाउंट पर मैसेज आ चुके, मैं आपको रिप्ले करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं मेरी बात को ध्यान समझना, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। कौन सा वाला, टेक्निकल फ्रुयादी, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, ठीक है। इस पर मैं चैट कर रहा हूँ, देख सकते हैं ये सामने वाला बंदा है जिसने मुझे मैसेज भेजी है। मेरी बात को गौर से समझना, इसने मुझे हेलो और हेलो दो बार लिख के भेजा, मैंने इसके मैसेज को सीन कर लिया। तो सामने वाले बंदे को पता चल रही है कि मैंने इसका मैसेज सीन कर लिया है। अब मुझे इस सीन को छिपाना है। कैसे सीन को छिपाओगे, आपको क्या करना है, आप जिससे अपने इसका सीन छिपाना चाहते हो उसकी आपको प्रोफाइल पर क्लिक करना है। ये ऑप्शन आएगा व्यू प्रोफाइल, सिंपल भी आपको इस पर क्लिक करना है व्यू प्रोफाइल पर। जैसे आप व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करोगे, आप देख सकते हैं ये बंदा है जिससे मैं इंस्टाग्राम पर चैट कर रहा हूँ और इससे मुझे सीन छिपाना है मैसेज का। तो आपको क्या करना है, ऊपर की साइड में आपको थ्री डॉट का आइकन मिलेगा, देख सकते हैं थ्री डॉट का ऑप्शन आ रहा है, सिंपल भी आप इस पर क्लिक कराएंगे। जैसे आप इस पर क्लिक कराएंगे, अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, मेरी बात को कौन समझना, आपको दिखाई देगा रिस्ट स्ट्रिक्ट, ये वाला ऑप्शन है। इसकी मदद से आप अपने इंस्टाग्राम मैसेज का सीन छिपा सकते हो। आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है रिस्ट स्ट्रिक्ट, जिस भी अकाउंट से आप मैसेज का सीन छिपाना चाहते हो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देना है। तो आप इस पर क्लिक करोगे रिस्ट स्ट्रिक्ट पर, जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, इसको मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आने लगा है यू हैव रिस्ट्रिक्ट ये वाला अकाउंट, यहाँ पे ऑप्शन आने लगा। अब इसका क्या फायदा होता है, देखो मैं आपको बताऊँ, मैंने इस वाले अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं मैं जाता हूँ अपने उसी वाले अकाउंट पर, अनुपम पाठक वाला, मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लॉग इन कर लिया। अब इससे मैं जाता हूँ मैसेज में, जैसे कि देख सकते हैं मुझे अपने, मैं दूसरा बंदा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से मैसेज भेजना है मुझे, मैंने रैंडम कोई मैसेज लिख दिया और मैंने मैसेज भेज दिया, ठीक है। मैंने मैसेज इधर से भेज लिया और पीछे वाले जो मैंने पहले मैसेज देखे थे उस पर सीन आने लगा, देखा पहले वाले मैसेज का यहाँ पर सीन आ रहा है। अब मैंने फिर से क्या किया, मैंने दो मैसेज भेज दिए, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अपने उसी वाले अकाउंट पर, मेरी बात को गौर से समझना, मैं जाता हूँ अपने उसी वाले अकाउंट पर। अब मैं आता हूँ मैसेज में, अब आप देख सकते हैं उस बंदे ने मुझे मैसेज भेजा, तो अब चैट्स में मैसेज दिखाई नहीं देगा। मैसेज आपको कहाँ पर दिखाई देगा पता है आपको, जो कोई भी आपको मैसेज भेजेगा वो अपने अकाउंट को कर दिया, उसके बाद आपको रिक्वेस्ट में मैसेज आएगा, आप रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, ठीक है। रिक्वेस्ट पर क्लिक करोगे वो वाला अकाउंट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब आप देख रहे इसने जो मुझे मैसेज भेजा, मैंने यहाँ पर सीन कर लिया है, मैसेज को मैंने देख लिया और सामने वाले बंदे को पता नहीं चला कि मैंने मैसेज को देख लिया। क्यों पता, क्योंकि मैंने इस अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इस वजह से आप देख सकते हैं ये बंदा जो भी मुझको मैसेज भेजेगा वो मेरे कहाँ पर आएंगे, चैट्स में नहीं आएंगे, बल्कि रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में आएंगे, रिक्वेस्ट वाले। और आपको पता है जब भी आपको कोई मैसेज पहली बार भेजता है तो रिक्वेस्ट में आता है, रिक्वेस्ट में आता है। आप मैसेज को सीन कर सकते हैं लेकिन सामने वाले को बंदे को पता नहीं चलेगा आपने मैसेज को सीन कर लिया है, तो आप रिक्वेस्ट में आके मैसेज को देख सकते हैं। आप इसको हटाना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करोगे अनलिस्ट, जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे अब ये अकाउंट नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये चैट्स में आने लगा होगा, जैसे कि अब ये चैट्स में आने लगा है, ठीक है। एक बात को मैं आपको फिर से बता दूं, आप जिससे अपने मैसेज का सीन छिपाना चाहते हो उसकी आपको व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करना है। व्यू प्रोफाइल पर क्लिक करोगे उसके बाद जिसका मैसेज छिपा रहा है उसके आपको प्रोफाइल पर आके थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ये वाला रिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर देना है। इससे आप फॉलो भी नहीं होगा और इससे आपका काम हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।